आई वेलकम यू ऑल ऑन स्काई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। लास्ट टाइम पे हमने बात की थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, जो ये प्रगतिशील शिक्षा है वही टॉपिक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा होती है जहाँ चाइल्ड को सेंटर में रख के, बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसको उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाएगी। जैसे इसकी क्वालिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा की, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा किसने दी हमें। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन डेवी। जॉन डेवी की अगर हम बात करें तो ये अमेरिकन थे। कौन थे? अमेरिकन। इन्होंने सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा की बात की। कुछ और मनोवैज्ञानिक थे जिनसे प्रभावित होकर इन्होंने इस पर वर्क करना शुरू किया था। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दी कि प्रगतिशील शिक्षा हमें किसने दी? जॉन डेवी। कौन थे ये? ये अमेरिकन थे। ठीक है, अब इन्होंने कुछ स्कूल, इन्होंने ना क्या किया, एक स्कूल खोला, लैब स्कूल्स खोले, उसमें इन्होंने बच्चे पर फोकस किया, बच्चे को सेंटर में रख के उसको एजुकेशन दी, जिनको प्रोग्रेसिव स्कूल्स भी बोला जाता है। जो लैब स्कूल्स इन्होंने खोले उनको प्रोग्रेसिव स्कूल्स भी बोला जाता है। बच्चे को ध्यान में रख के, बच्चे को केंद्र में रख के, बच्चे को केंद्र में रखा और बच्चे को ध्यान में रख के, उसके थॉट्स को ध्यान में रख के, उसकी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए उसके अराउंड इन्होंने चीज़ें करनी स्टार्ट की। तो अब देखते हैं कि देखिए प्रोग्रेसिव स्कूल्स जो है किसने दिए? ये जॉन डेवी ने दिए। अब बात करेंगे कि जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं हमारे, प्रगतिशील शिक्षा है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। करके सीखने पर किसने बल दिया? जॉन डेवी ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करके सीखना का सिद्धांत या बल किसने दिया, तो क्या बोलेंगे हम? जॉन डेवी। देखो, करके सीखने का क्या मतलब? बच्चे को एक्टिव रखो, बच्चे को इन्वॉल्व रखो, बच्चे को इन्वॉल्व रखना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। ये नहीं है कि बच्चा बैठा है और उसको बस लेक्चर दे दे या फिर उसको बस अपनी बात समझा दी और हम क्लास से बाहर चले गए। हमें ये नहीं करना, बच्चे को एक्टिव रखना है, एक्टिव चाइल्ड को एक्टिव रखना है कि वो किसी न किसी एक्टिविटी से या किसी न किसी वर्क में वो लगा रहे, जिससे उसका दिमाग जो है वो रुके नहीं, वो चलता रहे। वो अगर हम उसको कोई भी एक्टिविटी दे दें, कोई भी कॉन्सेप्ट हम उसको समझा रहे हैं, अगर मैथ्स की बात कर ले तो हम उसको बता रहे हैं 1+1 2 होता है। वही बात अगर हमने दो मार्कर ले ली, एक ये वाला मार्कर और एक और मार्कर हम ले लेंगे, तो हम उसको ये भी बता सकते हैं कि एक ये मार्कर है और एक ये मार्कर है, इन दोनों को मिला के कितना हुआ, तो बच्चा बोलेगा 2। तो हमने उसको प्रैक्टिकल चीज़ें बता दी, हमने उसको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा के उसको समझा दिया कि अगर एक और एक चीज़ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी 2 चीज़ें बन जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे दी। वैसे ही सेम हम बच्चों को बहुत सारे पेन दे सकते हैं, बहुत सारी पेंसिल्स दे सकते हैं बच्चे को, जिससे और उनको बोल सकते हैं कि आप एक एक इधर वाले 2 बॉक्सेस ले लिए, रेड और ब्लू, एक एक बॉक्स में बोल दिया कि ये रेड वाले बॉक्स में से ब्लू वाले बॉक्स में एक एक पेन उठाओ और काउंट करते जाओ। तो बच्चा क्या है, उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चे का दिमाग उसमें कॉन्टिन्यूस चल रहा है। बच्चा क्या करेगा, पेन उठा के एक एक दूसरे में रखना स्टार्ट कर देगा। तो वो क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, और साथ साथ वो क्या कर रहा है, वो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सीख रहा है, क्योंकि रेड से ब्लू में जा रहा है तो क्लासिफाई करवा रहा है बच्चा, और क्या कर रहा है, वो एडिशन का कॉन्सेप्ट भी वो साथ साथ सीख रहा है। तो बच्चे को इस तरीके से वो करना है क्लास में कि वो एक्टिव रहे, वो एक्टिविटीज़ करता रहे, वो बस बैठ के पैसिव लर्नर ना बन जाए। पैसिव लर्नर का मतलब होता है, पैसिव लर्नर का मतलब होता है कि बस क्लास में बैठे हैं चुपचाप और जो टीचर बोल रहा है वो हम चुपचाप बस अपने दिमाग में भर रहे हैं, वो होता है हमारा पैसिव लर्नर। बच्चे को पैसिव लर्नर नहीं बनाना, बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना है, बच्चे को एक्टिव रखना है किसी भी तरीके से, कोई भी
एक्टिविटी हो, कुछ भी उसको करके हमें एक्टिव रखना है। जैसे उसको प्रॉब्लम्स दे दी कुछ, उसे बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है और बताओ अगर तुम इस कंडीशन में होते तो क्या सॉल्यूशन होता तुम्हारा। तो क्या कर रहे हैं, बच्चे को एक्टिव रखना है, उसका दिमाग चल रहा है, उसमें उसकी थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही है। तो बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे को पैसिव नहीं बनाना, हमें पैसिव लर्नर नहीं बनाना है, एक्टिव लर्नर बनाना है। जो जोर देना है वो बच्चे को एक्टिव रखने में देना है। तो क्या करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को कुछ भी वर्क दे दिया, कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया और वो उसको बोल रहे हैं कि आप अपना ये वर्क करो, ये अगर आप इस प्रॉब्लम में होते तो कैसे सॉल्व करते। तो इस तरीके से बच्चे को कुछ ना कुछ दे के बिजी रखना है, बच्चे को उसका माइंड चलना चाहिए। तो क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब बच्चा अपनी लगा रहेगा एक्टिविटी में तो उसका क्या, दिमाग चलता रहेगा साथ में और वो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएगा, वो उनको फिर रटेगा नहीं, रोट मेमोरी पे फोकस नहीं करेगा, वो रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करेगा। बच्चा रोट लर्निंग पे फोकस नहीं कराना बच्चे को, बच्चे को एक्टिव रखना है, एक्टिव लर्निंग बच्चे की करानी है, रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होती है हमारी आलोचनात्मक चिंतन। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी होती है आलोचनात्मक चिंतन, मतलब बच्चे को थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग है वो हमें डेवलप करनी है, वो कुछ क्रिएटिव सोचे, कुछ भी क्रिएटिव सोचे। ऐसा नहीं है कि बच्चा बस बैठा है और चुपचाप सुन रहा है, उसका माइंड इन्वॉल्व होना चाहिए, उसकी थिंकिंग उस चीज़ में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम, बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम रखनी है और उसको बोलना है उसको सॉल्व करने के लिए, वो अपनी थिंकिंग उसमें किस तरीके से लगाता है इस चीज़ पर टीचर को ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को बिजी रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम दे देंगे बच्चे को कि अगर आप, जैसे बच्चे को बोल दिया कि अगर आप कहीं जा रहे थे और किसी ने आपका पेन चोरी कर लिया या फिर किसी ने आपकी वाटर बॉटल ले ली या फिर बैग लेके भाग गया, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे। तो ये बच्चे को हमने एक कंडीशन दे दी, बच्चा अब उसके अकॉर्डिंग सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा दिमाग लगा रहा है कि मैं उस कंडीशन में होता तो क्या करता। तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। बच्चे को हमने कंडीशन दे दी और बोला उससे कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। तो बच्चे को क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है उसको, उसको उस कंडीशन में हमें रखना है कि हम इस कंडीशन में अगर बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो अपना जो माइंड है वो किस टाइप से वो वहाँ पर सोचेगा उस कंडीशन में। तो बच्चे को अलग अलग प्रॉब्लम्स देनी है, ठीक है। जैसे बैग वाली प्रॉब्लम हो गई कि अगर आपका कोई बैग लेके चला जाएगा तो आप क्या करोगे, अपने चुपचाप चले जाओगे घर पे या फिर किसी अपने से बड़े को कंप्लेन करोगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हुई है, या कुछ नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, घर पे जाके भी नहीं बताओगे कि मेरा बैग कोई लेके चला गया और डांट खा लोगे ऐसे मम्मी पापा से, या फिर क्या करोगे। बच्चे को प्रॉब्लम देंगे, उसके सामने ऑप्शंस रखेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपनी राय दो इस चीज़ के ऊपर। तो बच्चा क्या करेगा, थिंकिंग करेगा, बच्चे का दिमाग उसमें चलेगा, उसकी आलोचनात्मक चिंतन करेगा वो कि हाँ मैं अगर उस प्रॉब्लम में होऊंगा तो मैं क्या करूँगा। बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स बच्चे को दें, जैसे नेशनल लेवल की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पोल्यूशन हो सकता है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेज हमारे एनवायरमेंट में हो रही है। तो ये थोड़ा बड़े बच्चे के लिए हो सकता है, जो बैग वाला एग्जाम्पल था वो छोटे बच्चे के लिए हो सकता है। तो ऐसे ही हर क्लास में बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स थे सॉल्व करने के लिए कि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे, आप इस कंडीशन में होंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल। इस बात पर फोकस हो कि जो लर्निंग है बच्चे की वो लाइफ लॉन्ग के लिए हो, ऐसा नहीं हो कि बच्चे को हमने कुछ सिखा दिया और वो दो दिन बाद भूल जाए, बच्चे को हमने कुछ सिखा दिया और वो दो दिन बाद भूल जाए। तो हमें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए बच्चे की जो लाइफ लॉन्ग उसको काम करे, ठीक है। जैसे अगर हम उसको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, वो सोचेगा कि हाँ अगर मैं उस कंडीशन में होऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि उसका खुद का माइंड चल रहा है, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाएगी। तो
क्या होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स से मतलब उसकी सामाजिक स्किल्स को डेवलप हमें करना है, क्योंकि हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि जो मनुष्य होता है, जो बच्चा होगा या बड़ा कोई आदमी होगा, मनुष्य होगा जो, वो एक सामाजिक प्राणी है। एरिस्टोटल ने बोला है कि मैन इज अ सोशल बीइंग, वो समाज के बिना नहीं रह सकता, उसको समाज चाहिए ही चाहिए। तो बच्चे के अंदर सामाजिक स्किल्स भी तो डेवलप होनी ज़रूरी है, बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होनी ज़रूरी है, तभी वो समाज में एक अच्छा प्राणी बन के रह पाएगा, तभी वो अपनी बातों को समाज में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। तो क्या होगा, हमें बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग देनी है और ये चीज़ उसको ऐसे सिखाना है जिससे उसके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप हो। जैसे हम बच्चे को एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, प्रॉब्लम वाली कंडीशन में भी उसको रख के उसको समझाई जा सकती है बात कि अगर रोड पे जा रहे हो आप और किसी को चोट लग गई है तो आप क्या करोगे। अब बच्चे अपने अपने व्यूज देंगे, उसके बाद बच्चों के व्यूज सुनने के बाद टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको सही डायरेक्शन दे, टीचर उसको सही डायरेक्शन दे, टीचर अपनी बात बच्चों के सामने रखे और उनको समझाए कि अगर कहीं आपके सामने किसी को चोट लग गई है तो आप उसको हेल्प करोगे, उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे। अब आज के टाइम पे क्या होता है कि अगर किसी को चोट भी लग गई है तो क्या होगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, बस वीडियो बनाने लगेगा। सभी का ये हेल्प करने के लिए क्या होगा, दो तीन लोग ही आगे आते हैं या फिर मुश्किल से एक दो लोग आगे आता है कि कहीं हम ही ना फंस जाए। अरे किसी को चोट लगी है, किसी की लाइफ का सवाल है और आप तब भी अपने बारे में सोच रहे हो, तो इससे गंदी बात क्या हो सकती है सोसाइटी में, इससे गंदी बात क्या हो सकती है। तो बच्चे को इस तरीके से डेवलप करना है कि जो उसकी सोशल स्किल्स है वो अच्छे से डेवलप हो पाए, वो सोशली सोच पाए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोलेबोरेट ग्रुप बन, ये होता है हमारा सहयोगात्मक समूह कार्य, सहयोगात्मक समूह कार्य या गतिविधि। मतलब बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज दो जहाँ पे वो ग्रुप, उसकी ग्रुप बनती हो, ग्रुप में उसको वर्क दो। अगर बच्चा ग्रुप में वर्क करेगा तो वो सहयोग करना सीखेगा, जो उसकी सोशल स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आगे भी ये लिखा है एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स उसकी होंगी, क्योंकि अगर वो ग्रुप में वर्क करेगा तो वो सहयोग करना सीखेगा एक दूसरे को। अगर वो सहयोग करना सीख रहा है तो उसकी सोशल स्किल्स अच्छी होंगी, डेवलप होंगी उसकी सोशल स्किल्स। तो बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिससे वो ग्रुप में वर्क करना शुरू करे। बट ऐसा भी नहीं हो कि हमेशा हम उसको ग्रुप में ही वर्क करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में क्या होगा, वो बच्चे का अपना खुद का इंडिविजुअली उसका माइंड इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर क्योंकि सोशली तो वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो कि सिर्फ ग्रुप एक्टिविटीज़ ही बच्चों को मिल रही है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी उसको मिलनी चाहिए और ग्रुप एक्टिविटीज़ भी मिलनी चाहिए, जिससे उसका इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरीके से उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं तो डी एम्फेसाइजेस ऑन टेक्स्ट बुक। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बोलते हैं जॉर्डी की प्रगतिशील शिक्षा में बोला जाता है कि बुक्स पर बहुत कम फोकस किया है, बुक्स पर बेस नहीं रहना। मतलब ऐसा नहीं है कि बुक्स को बिल्कुल नकार दिया है कि बुक्स में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है कि किताबें ज्ञान पर कम ध्यान दिया जाए, किताबी ज्ञान पर कम ध्यान दिया जाए। मतलब जो बुकिश नॉलेज है वो बच्चे को इस तरीके से सिखाई जाए कि बच्चा उसको अपनी करंट लाइफ से जोड़ सके, बच्चा सीख पाए कि ये जो चीज़ इसमें लिखी हुई है वो क्यों लिखी हुई है और किस पर्पस से लिखी हुई है और इसका मतलब क्या है, वो बच्चा समझ पाए। बच्चा ये नहीं है बस ऐसे ही रीडिंग कर दी और काम हो गया, ऐसे नहीं करना, बच्चा उस चीज़ को समझ पाए। तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उसको इग्नोर भी नहीं किया, इन्होंने बोला है कि बुक्स पे कम डिपेंड रहना है, लाइफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, फोकस ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब जो बच्चे के करंट लाइफ में चल रहा है, जो वास्तविक जीवन में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो सब कुछ चल रहा है वास्तविक जीवन में, उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए इंस्टीट्यूट ऑफ बुक्स के फोकस करने के। पहले क्या होगा, पहले होता था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में कि बस टीचर ने बच्चे को सिखा दिया, बता दिया और टीचर क्लास में चला जाता था। बस टीचर पहले माना जाता था कि जो टीचर है हमारा वो भरा हुआ बर्तन है, मतलब भरा हुआ कंटेनर है टीचर, ये हमारा टीचर हो गया और वो अपने उससे बच्चे को भरता
जाहिर हो गया हमारा, और ये अपने ज्ञान से बच्चों को घटा ठीक। और ये बोला जाता था कि चाइल्ड जो है बिल्कुल खाली है, चाइल्ड जो है बिल्कुल एम्प्टी है, चाइल्ड को कुछ नहीं आता। बट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में माना गया कि बच्चे को पहले से सब कुछ आता है, बच्चे को जो लर्निंग है जो सीखना है वो उसकी हेरिडिटी में पहले से मौजूद है, पैकेट्स की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, उसके जीन्स में पहले से मौजूद है। हमें क्या करना है, उसको डायरेक्शन देनी है और उसको अच्छे से निखारना है, उसकी स्किल्स को निखारना है, उसको उभार कर लेके आना है। तो ये पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में होता था कि बच्चे को खाली बर्तन समझा जाता था और टीचर को भरा हुआ बर्तन कंटेनर समझा जाता था, और टीचर बच्चे के अंदर भर रहा है, अपनी नॉलेज को भर रहा है। पर अब ये माना जाता है कि जो चाइल्ड है हमारा वो पहले से ही वो एम्प्टी नहीं है, कुछ चीज़ें उसके अंदर पहले से ही है, बस हमें क्या करना है उन चीज़ों को डेवलप करना है जिससे वो चीज़ें ऊपर आ सके, वो चीज़ें निखर सके, उसकी स्किल्स को हम उभार सके जिससे वो एक अच्छा प्राणी बन सके। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एकदम से रिवाइज कर लेते हैं, पहले हमने बात की लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हमें क्या करना है, बच्चे को कुछ ना कुछ करने देना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, एक्टिविटीज करानी है उससे, उसको किसी भी तरीके से एक्टिव रखना है, उसको पैसिव हमें नहीं बनाना, एक्टिविटीज करने के लिए देनी है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देना है। मतलब बच्चे का जो माइंड है वो चलता रहना चाहिए, वो बच्चा इन्वॉल्व होना चाहिए चीज़ों में, बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी है, बच्चा खाली नहीं रहना चाहिए क्लास में। अगर बच्चा खाली रहेगा तो वो बोर हो जाएगा या फिर वो अपना दिमाग तो यूज ही नहीं करेगा, अपना दिमाग यूज नहीं करेगा तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने कल में बात की थी, टीचर एक फैसिलिटेटर है, टीचर को बच्चे को निखारना है, बच्चे को उभारना है, उसकी स्किल्स को देखना है, परखना है और उसके ऊपर उसको वर्क करना है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने बात की कि बच्चे को प्रॉब्लम्स देनी है जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, आलोचनात्मक चिंतन जो है बच्चे का वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट बात करेंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स बच्चे के डेवलप करनी है, बच्चे को चीज़ें ऐसी सिखानी है जो उसे लाइफ लॉन्ग काम करें, जीवन पर्यंत उसके वर्क करें वो चीज़ें, कि ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को कुछ सिखाया और बच्चा दो दिन बाद भूल गया या फिर रास्ते में जाते जाते ही भूल गया, ऐसा भी हो जाता है। अगर हम उसको थ्योरी समझाते रहेंगे तो बच्चा क्या होगा, रास्ते में जाते जाते ही वो भूल जाएगा। तो चीज़ें ऐसी सिखानी है बच्चे को जो उसे लाइफ लॉन्ग याद है। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। बच्चे की सोशल स्किल्स को डेवलप करना है, बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसको रहना है, ऐसा तो है नहीं बच्चा बड़ा होकर जंगल में जाकर रहेगा तो वो अदर पीपल के साथ ही, तो उसको कोलैबोरेशन सिखाना है, उसको सहयोग करना सिखाना है, बचपन से ही उसको ग्रुप वर्क सिखाएंगे तो वो सहयोग करना सीखेगा, वो उसकी जो सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी कि जब वो बड़ा होगा, वो सोसाइटी में रहेगा, समाज में रहेगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगा ठीक। तो ये सब चीज़ें सिखानी है बच्चों को, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है हमारा प्रोग्रेसिव स्कूल। जो प्रोग्रेसिव स्कूल जॉन डेवी ने दिए थे वो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। डी एम्फेसाइज़ ऑन टेक्स्ट बुक्स, फोकस ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। टेक्स्ट बुक पर कम फोकस किया इन्होंने, इन्होंने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है कि बच्चे की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे अगर हम वर्क करेंगे, जो उसके वास्तविक जीवन में चल रहा है उसको बेस बना के बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा और ज़्यादा टाइम तक उसको वो चीज़ें याद रह पाएंगी। तो ये इतना, इसके आगे की बात करते हैं। जो हमारा जॉन डेवी है उन्होंने जो लैब स्कूल्स खोले हैं या फिर वो क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्कूल्स के बारे में या फिर उनकी क्या राय है ये जानते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब डेवी के बारे में बात करते हैं। जॉन डेवी हमारे अमेरिकन है, मैंने बताया आपको ये अमेरिकन है, इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में क्या बोला। सबसे पहली बात, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोला जाता है इनको, जॉन डेवी को। इन्होंने क्या बोला, लैब स्कूल्स खोले, जॉन डेवी ने लैब स्कूल्स खोले, उन लैब स्कूल्स में इन्होंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का मतलब प्रगतिशील शिक्षा को स्टार्ट किया। लैब स्कूल्स इन्होंने खोले, कहाँ पे खोले इन्होंने लैब स्कूल्स, आई थिंक अमेरिका में ही खोले थे, हाँ इन्होंने शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो इन्होंने लैब स्कूल्स खोले, जॉन डेवी ने, ये एक अमेरिकन थे और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक इनको बोला जाता है।
डीबी एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स इन द क्लासरूम। इसका क्या मतलब है? लोकतांत्रिक संबंध दो का क्या मतलब है क्लासरूम में? इन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही बच्चे की बात नहीं सुनी जानी चाहिए। जैसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हर पीपल की जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, हर एक पर्सन इम्पोर्टेंट है, वैसे ही क्लासरूम में भी हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट है, हर एक बच्चे की बात सुनी जानी चाहिए और हर एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट क्लासरूम में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ बच्चे ही इन्वॉल्व हो रहे हैं डिस्कशंस में, या फिर कुछ बच्चे ही बस टीचर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम में डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। लोकतांत्रिक संबंध क्लासरूम में भी होने चाहिए। हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है। हर बच्चे का इंटरेक्शन टीचर के साथ और टीचर का फोकस हर बच्चे पर होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, दीज प्रिंसिपल्स वर ड्रू फ्रॉम द थॉट्स ऑफ फ्रोबेल एंड पेस्टोलॉजी। मतलब जो ये जॉन डीवी थे, ये इंस्पायर्ड थे किसके थॉट से? इंस्पायर थे फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी के थॉट से। ये इंस्पायर हुए और इन्होंने लैब स्कूल्स की स्थापना 90s के आसपास इन्होंने आई थिंक लैब स्कूल्स की स्थापना की, और उसके बाद इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा पर कार्य किया और उसी को फिर इन्होंने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोबेल की बात अभी हम आगे करेंगे। चाइल्ड्स हार्ट एंड हेड शुड बी केयर टेकिंग केयर ऑफ। देखो, बच्चे का दिल और दिमाग दोनों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बच्चे का सिर्फ दिमाग ही दिमाग चल रहा है, उसको बिल्कुल रोबोट बना दिया है हमने, बच्चे की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बच्चे की फीलिंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितना उसका माइंड इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे के माइंड पे फोकस किया जा रहा है तो उसके हार्ट पे भी फोकस होना जरूरी है। हार्ट से मतलब यहाँ फीलिंग्स है, कि बच्चे की चॉइस को ध्यान में रखना है। कल मैंने बताया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, उसमें क्या था, बच्चे की चॉइस को सपोर्ट करना है। तो इसमें भी ये है कि बच्चे की जो चॉइस है उसको सपोर्ट करना है। बच्चे को, बच्चे का हार्ट और हेड दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बात की कि शिफ्ट फ्रॉम टीचर टू चाइल्ड। इन्होंने बात की कि टीचर से, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ अब हमें शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यह अब हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती होगी, बट आज के टाइम में, आज के एजुकेशन को देखते हुए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और आज के बच्चों को देखते हुए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बच्चे को ध्यान में रखकर एजुकेशन दिया जाना बेस्ट ऑप्शन है। तो इन्होंने बोला कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ हमारा अटेंशन होना चाहिए, अब हमें शिफ्ट पे ध्यान देना चाहिए, शिफ्टिंग पे हमारा अटेंशन होना चाहिए। तो जॉन डीवी ये बात करते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल्स इन्होंने दिए हैं, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्रोग्रेसिव स्कूल्स हमें क्या क्या बताते हैं, और इनको प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, प्रोग्रेसिव शिक्षा का, प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी स्टार्टिंग की लैब स्कूल्स। डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप पर इन्होंने फोकस किया, लोकतांत्रिक संबंधों पर इन्होंने फोकस किया। दिस प्रिंसिपल्स वर ड्रॉ फ्रॉम द थॉट्स ऑफ, ये हो गया हमारा, फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी से इंस्पायर थे, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो थ्योरी बोल सकते हैं, या फिर इसको एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, वो इन्होंने दिया। यहाँ तक की बात हो गई, अब हम फ्रोबेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और इसमें एक दो चीज़ें और बची हैं, जैसे बाइपोलर प्रोसेस और ट्राइपोलर प्रोसेस वगैरह एजुकेशन की किसने दिए, जल्दी जल्दी से उनके बारे में बात करते हैं। अब फ्रोबेल के बारे में बात करते हैं। फ्रोबेल, जो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे, ये क्या थे, ये एक जर्मन थे, जर्मनी के थे ये, तो जर्मन हुए ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंडरगार्टन स्कूल्स खोले जर्मनी में। किंडरगार्टन का मतलब है, देखो किंडर का मतलब होता है चाइल्ड और गार्डन का मतलब होता है पौधा या फिर बगीचा। तो इन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे हैं वो फूलों के बगीचे की तरह या फिर किसी बगीचे की तरह हैं, उनको अगर अच्छे से हमने उनका ध्यान नहीं रखा, उनकी केयर नहीं की, तो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है। गार्डन मतलब यहाँ गार्डन से है और किडर मतलब यहाँ चाइल्ड है, तो बगीचे से इन्होंने चाइल्ड को कंपेयर किया। किंडरगार्टन, अगर हमसे कोई पूछा जाता है कि किंडरगार्टन मेथड या किंडरगार्टन विधि किसने दी है, तो हम किस क्या बोलेंगे कि ये फ्रोबेल ने दी है, क्योंकि किंडरगार्टन से कंपेयर जो किया है बच्चों को, वो फ्रोबेल ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने प्ले वे मेथड दिए। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है कि प्ले वे मेथड्स किसने दिए हैं, वो फ्रोबेल ने दिए। अगर बाय चांस फ्रोबेल का नाम नहीं होता ऑप्शन में, तो हम हेनरी कूपर
टिक करेंगे, वरना हमेशा 99.9% फ्रॉबेल का ही नाम आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर ज़्यादा ही डीप में दे दिया तो हेनरी कुक पे हम फोकस करेंगे, हेनरी कुक पे टिक करेंगे, वरना हमें ये फ्रॉबेल पे ही टिक करना है प्लेवे मेथड के लिए। ठीक है, तो प्लेवे मेथड का मतलब क्या होता है जल्दी से समझ लो। इसका मतलब होगा खेल खेल में शिक्षा, बच्चे को खेल खेल में किस तरीके से सिखाया जा सकता है। बट इनको मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दी गई क्योंकि बच्चा अगर पूरा टाइम खेलता ही रहेगा तो वो सीखेगा क्या। ठीक है, बच्चे को खेल खेल में सिखाना है, पर ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बच्चे को पूरा टाइम खेल में ही लगा रहे। तो इनसे ज़्यादा इसलिए प्रोग्रेसिव स्कूल्स मतलब जो जॉन डेवी की बात थी, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन उन्होंने दी थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। बट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि प्ले में मेथड किसने दिया हमारा, वो हमारा प्रॉब्लम ने दिया। नेक्स्ट आप छोटी सी बात है कि जॉन डेवी किसी से बिलोंग करते थे, ये प्रैग्मेटिज्म से बिलोंग करते थे, प्रयोजनवाद से। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद किस चीज पे फोकस करता है, ये प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता है, मतलब जो करंट लाइफ चल रही है, करंट जीवन चल रहा है, उस पर प्रैक्टिकल जीवन पे ये फोकस करेगा। क्या फोकस करेगा? प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। और जॉन डेवी किससे बिलोंग करते थे, ये प्रैग्मेटिज्म से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, इनसे प्रभावित होकर, प्रैग्मेटिज्म से ही प्रभावित होकर एक मनोवैज्ञानिक हुए हमारे किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक, विलियम हर्ट किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक ने एक विधि दी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह हमारी प्रोजेक्ट मेथड में आती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करके हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट मेथड में आता है। ठीक, तो प्रोजेक्ट मेथड को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, परियोजना विधि। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें छोटी सी बात और आती है, जैसे कि हमारी हो गई बायपोलर एजुकेशन, बायपोलर एजुकेशन। तो बायपोलर की बात कौन करते हैं, ये स्मिथ एडम्स, स्मिथ एडम्स बात करते हैं बायपोलर एजुकेशन। बस इतना ही, इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं है। बायपोलर एजुकेशन में इन्होंने क्या बोला कि एक तरफ टीचर और एक तरफ बच्चा, एक तरफ टीचर है और एक तरफ बच्चा, और एजुकेशन में बस यही होता है। इन्होंने बोला कि एक तरफ टीचर आ गया और एक तरफ बच्चा आ गया, और बस इतनी ही हमारी एजुकेशन होती है, दो ही रोल होते हैं, दो ही चीज़ों का हमारी एजुकेशन में रोल होता है पूरी शिक्षा में। तो ये बात किसने बोली, बायपोलर एजुकेशन शिक्षा को किसने बोला, ये स्मिथ एडम्स ने बोला। अब एक बात आती है कि ट्राइपोलर एजुकेशन, ट्राइपोलर एजुकेशन त्रिध्रुवीय, ध्रुवीय इसको, ये है हमारा द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय एजुकेशन किसने बोला है, शिक्षा हमारी किसने दी है, एडम्स ने दी है, और त्रिध्रुवीय मतलब त्रिपोलर, त्रिध्रुवीय किसने दी हमारे, जॉन डेवी ने दी, जॉन डेवी। ठीक, तो बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्राइपोलर किसने दी है, वो जॉन डेवी ने दिया, और एडम्स ने क्या दिया है, उन्होंने बायपोलर दिया। अब ट्राइपोलर में समझ लो क्या क्या आता है। इन्होंने बोला ट्राइपोलर एजुकेशन में कि एजुकेशन में टीचर होती है, बच्चा होता है, और साथ में क्यूरिकुलम होता है। क्यूरिकुलम मतलब एनवायरमेंट, क्यूरिकुलम में सिलेबस बताती हूँ। हम ये नहीं बोलेंगे कि जो हमारा सिलेबस होता है वो क्यूरिकुलम में आएगा, सिलेबस क्यूरिकुलम में आएगा ठीक बात है, बट क्यूरिकुलम में बच्चे के आसपास की सराउंडिंग, सारा एनवायरनमेंट, उसका जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सब हमारे क्यूरिकुलम में इंक्लूड होती है। तो सिर्फ सिलेबस को क्यूरिकुलम हम नहीं बोल सकते। तो इन्होंने बोला जॉन डेवी ने कि हमारा टीचर, चाइल्ड और क्यूरिकुलम, ये हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन की किसने दी है, वो जॉन डेवी ने दी है। बायपोलर प्रोसेस कम पूछता है, बट फिर भी आपको याद रखनी है, बाई चांस पूछ ले तो हमारे स्मिथ एडम्स ने दी। अब आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की है। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़, और इसको शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो लोग और टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।